वीकली कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट और काफी वॉलेटाइल भरा रहा, जहां हम देख रहे थे पूरे कमोडिटी में जबरदस्त गिरावट का माहौल था, वहीं सोना चमकता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा ऑल ऑफ अ सडन 1 जुलाई को मॉर्निंग में अपडेट आता है कि गोल्ड के ऊपर 5% से इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाती है और अचानक से गोल्ड 52,000 पे आ जाता है। पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो हमने 2.5% की तेजी सोने में आते हुए देखी, बट इसके विपरीत चांदी में हमने 3.5% से ज्यादा की गिरावट आते हुए देखी। जिस ढंग से बेस मेटल में दबाव है, डिमांड कंसर्न है, रिसेशन का खतरा है, इन्फ्लेशन कंसर्न है, इकोनॉमी डाउनफॉल में है, जिसके चलते चांदी में दबाव बन रहा है, जबकि सोने में हम देख रहे हैं कि बार बार प्राइजेस में लोअर लेवल से अच्छा उछाल आ रहा है। कल के सेशन में हमने देखा कि प्राइजेस 1800 के नीचे भी निकल गया था, बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल से वापस बाइंग लौटते हुए देखी और हमने देखा प्राइजेस $1800 के ऊपर वापस रिगेन कर गया है। अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज फेड के मिनट्स आने हैं और कहीं ना कहीं हमने टोन जो देखा है वो थोड़े हॉकी टोन देखे हैं। ज्यादा करके पिछले 3-4 महीनों में हमने बार बार देखा है कि जब भी फेड की मीटिंग या मिनट्स आते हैं उससे पहले तो सोने में और चांदी में दबाव रहता है, बट मीटिंग या मीट के बाद तुरंत रूप से हम एक अच्छा खासा जंप देखते हैं। जैसे पिछले महीने हमने देखा कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया, इमीडिएटली हमने तुरंत रूप से देखा कि सोने में एक जंप ले लिया जो 1850 से 1860 तक का लेवल दिखा दिया। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रह सकता है, बट फेड के आउटकम के बाद अगर इन लाइन रहता है तो सोने चांदी में एक सपोर्ट मिल सकता है। टेक्निकली ओवरसोल्ड जोन में जरूर है मार्केट, थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। वहीं एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो क्रूड में फिर से उबाल आता हुआ दिखाई दिया, प्राइजेस 8600 के करीब 2.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। वहीं नेचुरल गैस में जबरदस्त गिरावट 7.5% की बढ़ते हुए दिखाई दी। सबसे पहले कच्चे तेल की बात करें तो हमने देखा इकोनॉमी स्लो डाउन, वहीं आउटपुट में बढ़ाने की बातें, स्ट्रेटेजिक रिजर्व निकालने की बातें, स्लो डाउन और इन्फ्लेशन कंसर्न के चलते कच्चे तेल में जबरदस्त गिरावट हमने बनते हुए देखी जो 8100 तक दिखा दिया। इंटरनेशनल में $109 का भी लेवल हमने छूते हुए देखा, बट कहीं ना कहीं हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि अभी भी जो आउटपुट बढ़ाने की बात हो रही है, चाहे ओपेक से चाहे मिडिल ईस्ट से, वो मार्केट में कारगर तरीके से काम नहीं कर पा रही है, जिसके चलते प्राइजेस में गेन आया है। चाइना मार्केट के डेटा कल काफी अच्छे भी आए हैं और चाइना वापस लौटते हुए दिखाई दे रही, जिसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं कच्चे तेल को थोड़ा सपोर्ट जरूर मिला है, बट अपसाइड की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कंसर्निंग हो सकता है, बिकॉज अभी भी स्लो डाउन का जो कंसर्न है वो मार्केट में बना हुआ है। तो पहले भी हमने देखा 8000 से 9000 का जो रेंज है वो कच्चे तेल में कंटिन्यू रहेगा, जब तक $120 के ऊपर ब्रेंट नहीं निकलता है पूरी गुंजाइश से वापस हम 107 से $102 तक देख पाएंगे। तो सेल ऑन रैली की रणनीति बनाते चलिए। नेचुरल गैस में हमने देखा कि इन्वेंट्री बढ़कर आई है, जिसके चलते प्राइसेस में जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी। टेक्निकली 500 का लेवल तोड़ चुका है, जो दिखाता है करीबन 420 से 410 तक के सपोर्ट आ सकते हैं। टेक्निकली ओवरसोल्ड होने की वजह से मे बी पॉसिबल है 480-90 तक का एक पुलबैक दिखा दे, बट सस्टेनेबल नहीं रहेगा। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस जिस दिन से पहले थी वो अब नहीं दिखाई दे रहे और एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाते हुए दिख रहे हैं सभी कंट्रीज, और जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसकी वजह से प्राइसेस में भी दबाव है। तो नेचुरल गैस में हो सकता है एक 480-490 तक का जंप मिले, बट उस जंप पे बिकवाली करके चलना है। जब तक प्राइसेस 510 के ऊपर होल्ड नहीं करता है ट्रेंड भी के, बट ध्यान रखिए यूरोप में अभी भी क्राइसिस कंटिन्यू है, जिसके चलते प्राइसेस कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहा है, तो यूरोप को नजर रख के चलिए, जबकि यूएस में अभी भी दबाव है। बेस मेटल की अगर हम बात करें तो पूरे बेस मेटल में हमने काफी अच्छी गिरावट आती हुई देखी एल्यूमिनियम को छोड़कर। हम कॉपर में देखें तो 2% की गिरावट, जिंक में सबसे बड़ी गिरावट हमने देखी है करीबन 7% की गिरावट, निकल थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया, लेड में भी 3% की गिरावट आती हुई देखी, एल्यूमिनियम 1.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। बेस मेटल में भी हमने देखा जो ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं रिडक्शन में, रिसेशन में जाता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते डिमांड इंपैक्ट करी, बट दूसरी ओर चाइना से हमने देखा डेटा अच्छे आ रहे हैं और चाइना स्टिमुलस भी कंटिन्यू लाने की कोशिश कर रहा है। टेक्निकली भी ओवरसोल्ड जोन में, तो कहीं ना कहीं अगला हफ्ता काफी क्रूशियल होगा, बिकॉज एक तरफ डॉलर इंडेक्स में बड़ी तेजी के चलते
प्राइजेस में कहीं ना कहीं दबाव था, बट अगला हफ्ता फेड की मिनट्स आने हैं वो काफी हर्डलिंग रहेगा क्योंकि डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और ग्लोबल इकोनॉमी को संभालने के लिए बेस मेटल काफी इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो 665-668 कॉपर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा और 690 रेजिस्टेंट रहेगा। तो अगले हफ्ते बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। जिंक के अंदर टेक्निकली बहुत बड़ा फॉल ले चुका है, 280 के ऊपर होल्ड करने पे हम एक शॉर्ट कवरिंग देखेंगे। वैसे सपोर्ट की बात करें तो 270 का लेवल रहेगा। लेड टेक्निकली अगर देखें तो एक ब्रेकआउट दिया है डाउनसाइड, क्योंकि 180-190 के बीच में ही काफी टाइम से ट्रेड कर रहा था। तो अनलेस एंड अंटिल 180 का लेवल ब्रीच करके वापस होल्ड नहीं करता है प्राइजेस, डाउनसाइड में 172 का लेवल मिलता है वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है जब तक मार्केट में दबाव रहेगा। एल्यूमिनियम 210 के ऊपर थोड़ा पॉजिटिव क्लोज है जो हमें लगता है कि 216 तक का एक पुलबैक दिखा सकता है, जिस ढंग से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डिमांड वापस रिवैम्प होते हुए दिखाई दे रही है ये एल्यूमिनियम को सपोर्ट दे सकता है। तो ओवरऑल बेस मेटल में पहले हाफ में गिरावट रहेगी बट लोअर लेवल से बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई दे सकती है। एग्री कमोडिटी की बात करें तो कुछ